धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं के हुआ परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। जमी आकाश को बनाने वाला प्रभु, सारे सृष्टि के सृजनहार मेरे प्यारे खुदा, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। सचमुच में मेरे प्यारे खुदा, आज के रात्रि में प्रभु आपने रात भर सुंदर संभाल कर रखा और बड़ी हानि से बड़ी खतरों से बचाया। तमाम प्रकार के दुख और तकलीफों से, ओ कष्ट और कलेशों से प्रभु आपने बचा कर रखा। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। धन्य और धन्य कहते हैं खुदावन परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, सब लोग धन्यवाद कर रहे हैं। मेरे प्रियजनों, आप जहां कहीं हैं, जिस भी स्थान में हैं, जिस भी जगह में हैं, इस वक्त परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो राजाओं का राजा का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, आप सब जने को जय मसीह की। सभी लोगों का स्वागत करते हैं आज की सुबह की प्रार्थना में। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आप जहां कहीं हैं, जिस भी स्थान में हैं, चाहे आप पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे जवान, चाहे बच्चे हो, आप जिस भी जगह में हैं, जिस भी स्थान में, मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, हो सकता है आपके जीवन में ऐसी कई प्रकार के जो है आप मांग रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, और आपको मिल नहीं रहा है। मेरे प्रिय, विश्वास करें, आज आप जो कुछ भी मांगेंगे, जो कुछ भी आज बोलेंगे, आज के सुबह के वक्त में परमेश्वर आपके लिए वही करेगा। आप जो कुछ मांगेंगे आपको वही मिलेगा, क्योंकि खुदावन परमेश्वर आपके हर एक इच्छाओं को पूरा करने वाला, हर एक मन को पूरा करने वाला पिता है। उस परमेश्वर के निकट आए मेरे प्रियो, अपने मन में, अपने वो अपने अंदर ऐसे कई प्रकार के ऐसे बातों को आप ना लाएं, लेकिन जो है परमेश्वर के चरणों में आए और परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, हो सकता है आप अपने परिवार के लिए आप चंगाई मांग रहे हैं, अपने घर के लिए आप छुटकारा मांग रहे हैं, आशीषों को मांग रहे हैं, दान वरदानों को मांग रहे हैं। हालेलुया, मेरे प्रियो, हो सकता है आज आपके घर में ऐसी कई प्रकार की बात की जो घटी कमी है, उसे आप मांग रहे हैं और आपको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आज सच्चे हृदय से, सच्चे मन से जब परमेश्वर के करीब आते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, उसके निकट आते हैं, मेरे प्रियो, वचन कहता है तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। मेरे प्रियो, वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। आज जो कोई मांगेंगे, जो कोई आज पुकारेंगे, मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, खुदावन परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, विश्वास करें मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों। हो सकता है आपकी परिस्थिति खराब हो चुका है, बिगड़ चुका है, आपको ऐसा लग रहा है कि अब ठीक नहीं हो पाएंगे, चंगा नहीं हो पाएंगे, हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि खुदावन परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप चाहे दिखने में जैसे भी दिख रहे हैं, आपके सगे लोग आपको प्यार करते हैं या ना करते हैं, लेकिन खुदावन परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप निराश ना होए, दुखी ना होए। मेरे प्रियो, आज के सुबह के वक्त परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देने वाला है। आज के सुबह के वक्त, इस भोर के तड़के, मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज खुदावन परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा कहता है, जो चाहे आप मांगोगे वह आपके लिए हो जाएगा। मेरे प्रिय, विश्वास करें खुदावन परमेश्वर पर, भरोसा करें जिस परमेश्वर ने जमी आकाश को बनाया है, जिस परमेश्वर ने सारे सृष्टि को सिरजा है, वो खुदावन परमेश्वर आपको गले लगाना चाहता है। आज आपके आंसुओं को पोंछ देगा, आज आपके शरीर के हर एक दुख दर्दों को वो खुदावन परमेश्वर दूर करेगा। मेरे प्रियो, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, वचन को आप ध्यान देकर सुनिए। मेरे प्रियो, आप जहाँ कहीं हैं, जिस भी स्थान में, खुदावन के परमेश्वर का वचन, आज के वचन आपसे बोलना और बातचीत करना चाहता है। विश्वास करें मेरे प्रियो, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15:7 मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ पर लिखा है, ध्यान देकर वचन को सुनिए, वहाँ पर लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगोगे और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, मेरे प्रियो, परमेश्वर में आप बने रहते हैं और परमेश्वर का वचन आप में बना रहता है, और आप जो चाहे मांगेंगे वह आपके लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, विश्वास करें, खुदावन के
चरणों में आप रहें। वचन में लिखा है जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। कहा है मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज खुदावन परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहा है। आज आप जो कुछ भी मांगेंगे आज वो परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा। आपके हर एक की मन की इच्छा पूरी हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, विश्वास करें। अपने पति के लिए जो है, अपने पति के लिए जो है आप चंगाई मांग सकते हैं, अपने पत्नियों के लिए आप चंगाई मांग सकते हैं, अपने माता पिताओं के लिए आप छुटकारा मांग सकते हैं, उन आशीषों को मांग सकते हैं, उन अनुग्रह उन शांति को आप मांग सकते हैं जो शैतान जो है आपके घर से आपके परिवार से चुरा लिया है। मेरे प्रियो, उन आशीषों को आप मांगें और खुदावन परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, आइए मैं सभी लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूँ। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, जितने लोग आज आप बीमार हैं, समस्या में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, खुदावन परमेश्वर आपको हर एक दुख से, हर एक सैतानिक बंधन से, हर एक नकारात्मक दुष्ट अंधकार की शक्तियों से वो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आइए मेरे साथ आप मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे स्वर्ग में विराजमान विराट परमेश्वर, आज आपसे दुआ कर रहे हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर एक एक लोगों को छू ले परमेश्वर, और तेरे पवित्र आत्मा के शाम से और तेरे अभिषेक से भर दे प्रभु जी। विशेष मैं प्रार्थना करता हूँ इनके सिर के बाल से लेकर ओ पैर के नखुन तक प्रभु जी, आपके अभिषेक आपका सामत बहने पाए यीशु मसीह के नाम से। हे परमेश्वर आप दया करें प्रभु जी, हालेलुया, क्योंकि आप दया करने वाला खुदावन परमेश्वर है। इस भाई को छू ले, इस बहन को छू ले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ब्लेस कर, टच कर प्रभु जी। इसी समय सारे जोड़ों का दर्द इसी समय पार हो जाने पाए, हर एक कमर का दर्द पार हो जाए, हर एक पथरी कैंसर टीबी की बीमारी यीशु के नाम से जड़ से खत्म हो जाने पाए। ओ परमेश्वर हम दुआ करते हैं मिर्गी की बीमारी दूर हटे, जिस किसी को मिर्गी है, लकुआ की बीमारी है, यीशु नासरी के नाम से लकुए की बीमारी से अच्छा हो जाए, प्रिय हो जाए यीशु नासरी के नाम से। हे खुदावन परमेश्वर, जितने लोग इस चैनल में जुड़े इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, आज उनके जीवन में प्रभु सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ ठीक होने पाए प्रभु जी। जिस किसी के पेट में दर्द है, अनसहनी दर्द है प्रभु जी, पेट का दर्द पार हो जाए, बुखार वायरल फीवर इश्यू के नाम से जड़ से खत्म हो जाने पाए। हे प्रभु, किसी के पेट में और सिर में दर्द है, इसी समय सिर का दर्द पार हो जाए, एलर्जी की बीमारी पार हो जाए, फोड़े फंसे धाद खुजली की रोग यीशु नासरी के नाम से इसी समय नष्ट हो जाने पाए। हर एक अंधकार की शक्तियों, हर एक गड़बड़ी की आत्मा यीशु नासरी के नाम से मैं तुझे डांटता हूँ, हुक्म देता हूँ, आदेश देता हूँ, इसी समय पार हो जाए। हर एक गंदी आत्मा निकलो यीशु के नाम से। आज के दिन में प्रभु ये मसीह भाई बहन जहाँ कहीं चाहते हैं प्रभु, आप इनकी मदद करना, इनकी सहायता करना प्रभु जी। आपकी सुरक्षा, आपकी रक्षा यीशु नासरी के नाम से होने पाए प्रभु जी। हे पिता, कोई भी दुष्ट, कोई भी शैतान की शक्ति इन्हें छूने ना पाए परमेश्वर, हालेलुया। हे प्रभु जी, हर तरह के शरापों को, हर तरह के बंधनों को हम यीशु नासरी के नाम से तोड़ देते हैं। इनके जीवन के ऊपर से किसी भी प्रकार की दुष्टता की शक्तियाँ हैं तो आज यीशु नासरी के नाम से दूर हटने पाए। जिसकी हड्डी और जोड़ों में दर्द है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से दूर हटे। गले का खराश बाहर हो जाए, शीत दम की बीमारियां बाहर हो जाए, हर एक खांसी की आत्मा बाहर हो जाए यीशु के नाम से, हालेलुया। जिस किसी को बुखार है, कमजोरी है, यीशु नासरी के नाम से दूर हट जाए। जितने मसीह भाई बहन बांझ है मेरे प्रभु, वो बांझपन से अच्छा हो जाए यीशु के नाम से। हर एक बंद कोख खुल जाए यीशु प्रभु के शामती नाम में। हे प्रभु, जिसके बच्चे बीमार हैं वो चंगे हो जाए, जिसके माता पिता बीमार वो चंगे हो जाए यीशु के नाम से। और परमेश्वर हम दुआ करते हैं प्रभु जी, जो अस्पतालों में भर्ती हैं प्रभु, जो लेटे लेटे रहते हैं, जो उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते प्रभु, आज उन्हें उठने के लिए, चलने के लिए सामर्थ्य, बोलने के लिए सामर्थ्य प्रभु जी। हे पिता, जो कोमा में है प्रभु, कोमा से बाहर आ जाए यीशु के शामती नाम में। हर एक पथरी कैंसर टीबी की बीमारियों को मैं डांट देता हूँ, इसी समय बाहर हो जाने पाए आज के दिन में प्रभु, इसी समय अच्छा हो जाए। आज तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी सब कुछ अच्छा होने पाए, सब कुछ ठीक होने पाए, ये सचमुच में चंगे हो जाए प्रभु जी। आज का इनका समय गंवाना, इस वीडियो को देखना व्यर्थ नहीं परंतु आशीष का कारण ठहरने पाए प्रभु जी। हर एक लोगों के जीवन में प्रभु आपकी बड़ी अनुग्रह होने पाए, आशीष होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन।